नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। मैं आकाश आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल स्टडीज के टॉप 10 MCQs। ये टॉप 10 MCQs आपको SSC GD के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा और जो इनका एक्सप्लेनेशन होगा वो उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये SSC GD के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अब भारत के प्रथम वायसराय कब बनाए गए थे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, जब 1857 की क्रांति हुई थी और कंपनी रूल को एंड कर दिया गया था और 1858 से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था, तब वायसराय को गवर्नर जनरल को वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, इसमें लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका आंसर भी होगा लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, इसे और किस नाम से जानते हैं? गुड गवर्नेंस एक्ट, गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, सुशासन का अधिनियम। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को सुशासन का अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अब लॉर्ड कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन 1905 में वायसराय थे और 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था। इसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थे। उस समय क्या होता था, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा था तब केवल बंगाल के ही बनाए जाते थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वारेन हेस्टिंग्स। और इन्होंने 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई थी कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कराई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी तो इसमें जो प्रथम चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो लॉर्ड इम्पे को पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अब इसमें बंगाल के विभाजन की बात कर दी गई है, तो पहला ऑप्शन है 1904, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1906, चौथा ऑप्शन है 1907। इसका राइट आंसर होगा 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। अब बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था, पहले तो आपको बता दें कि 1904 में क्या हुआ था कि जनवरी 1904 में बंगाल विभाजन का प्लान अनाउंस किया गया था, कि योजना बनाई गई थी कि बंगाल का विभाजन करना चाहिए। अब बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अब बंगाल का विभाजन किस वजह से किया था, इसका मेन रीजन क्या था, तो इनका मेन रीजन था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फूट डालो और शासन करो। उस समय क्या था कि 1905 में बंगाल बहुत ही डेवलप एरिया था, डेवलप प्रोविंस था, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट भी था, बंदरगाह भी था, और साथ ही साथ में उस समय 1905 में बंगाल कलकत्ता में स्थित है और भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी 1905 में। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था भारत की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन 1931, तीसरा ऑप्शन 1932, चौथा ऑप्शन 1933। तो इसका राइट आंसर है 1931। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। अब ये किस जगह पर हुआ था, और 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे इसमें, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। अब ये गोलमेज सम्मेलन तीनों हुए कहाँ पर थे, ये हुए थे लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि INC ने इनमें से किस
गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, किस में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी ने भाग लिया था 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और 1930 और 1932 में भाग नहीं लिया था आईएनसी ने। और आईएनसी ने, आईएनसी की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था ये भी क्वेश्चन आता है, तो आईएनसी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी ने, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और इसके साथ में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट तीनों गोलमेज सम्मेलन ने बीआर अंबेडकर ने किया था, और जो एससी और एसटी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे बीआर अंबेडकर साहब। और इसमें क्या किया गया था, लंदन में, लंदन में यह गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों। और इनमें से जो इंग्लैंड यानी मतलब ब्रिटिश की तरफ से राम से मैकडोनल्ड, आप मैकडी में तो जाते होंगे ना, तो मैकडी के नाम से याद रख सकते हैं, राम से मैकडोनल्ड, राम से मैकडोनल्ड ने इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हुए थे। ये फेल क्यों हुए थे, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन इसलिए रखे गए थे कि इसमें आईएनसी को समझा सकें, और फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी ने ब्रिटिश की कंडीशन को नहीं माना था, इसीलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन फेल हुआ। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पुनः आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी फेल हो गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बता दें कि जितने भी आंदोलन हैं, इन आंदोलन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंदोलन की एक पीडीएफ और साथ ही में इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, जो एक घंटे का वीडियो है, एक घंटे में मैंने सभी आंदोलन को कवर किया है और बहुत ही समराइज किया है, इसको आप देखकर इन आंदोलन को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1920, 1922, 1940, 1942, तो इसका राइट आंसर है 1942। 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो इसकी एग्जैक्ट डेट होगी 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब यह आंदोलन किसने शुरू किया था, इसके जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, जो मेन लीडर थे, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, और इनका साथ दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इनका साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, और अरुणा अशरफ अली ने दिया था, और इसके साथ में ऊषा जी ने इनका साथ दिया था। और इसका जो मुख्य नारा था, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था इन्होंने, डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो। और यह इन्होंने यह भी कहा था, यह ब्रिटिश के लिए भारत की तरफ से लास्ट आंदोलन होगा, अंतिम आंदोलन होगा, इसके बाद कोई आंदोलन नहीं। जैसा कि आपको नारे से समझ में आता, स्लोगन से समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने नारा ही दे दिया था, डू और डाई, करो या मरो, अब इसके बाद में कोई आंदोलन नहीं, अब इन्हें आज़ादी चाहिए। 1942 ये लास्ट आंदोलन हो गया था इनका, महात्मा गांधी ने, क्योंकि इन्होंने डू और डाई का नारा दिया था, और यह सिर्फ आज़ादी चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इसका पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब यह नारा किस अधिवेशन में दिया था, आईएनसी के अधिवेशन होते थे, उन्हीं एक अधिवेशन में इन्होंने यह नारा दिया था, जो दिया था लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन में यह नारा दिया था, लाहौर सेशन 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसी में यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। अगर इसकी डेट पूछी जाए कि यह नारा कब दिया गया था, तो यह नारा दिया गया था 31 दिसंबर 1929 को यह नारा दिया था। और इसी के बाद में क्या किया गया था, इसी अधिवेशन के तहत, लाहौर अधिवेशन 1929 के तहत 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मान ली थी, कि अब हम लोग आज़ाद हैं, भारतीय लोग आज़ाद हैं, और रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर राष्ट्रगान गाया गया था, और इसी के लाहौर अधिवेशन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी अनुसूची 4, ऑप्शन सी अनुसूची 6, ऑप्शन डी अनुसूची 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुसूची 4। अनुसूची 4 में संविधान
राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है। और आपको बता दें कि एक अनुसूची पर भी हमने पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने ट्रिक से बताया है कि किस तरीके से अनुसूचियों को याद किया जा सकता है, और ऐसे बिल्कुल सिंपल ट्रिक है जिससे आप 12 की 12 अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। और इसमें आपको एक फैक्ट बता दें कि जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, इसके बाद में कुछ संविधान संशोधन हुए तो अब प्रेजेंट टाइम में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा सीटों को वर्णन करती हैं, और दूसरी अनुसूची हमारे जो राष्ट्रपति या फिर जितने भी गवर्नमेंट या फिर लीडर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं उनकी सैलरी वेतन के ऊपर यह रिप्रेजेंट करती है। जो छठी अनुसूची है वो शेड्यूल ट्राइब एरिया, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं जैसा कि बताया ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं इनका वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है, और अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन किया गया है, लैंग्वेज का वर्णन किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1922। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। अब इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो एग्जैक्ट डेट होगी 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। अब ये हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये एक जगह है चौरा चौरी, जो गोरखपुर ज़िले में, गोरखपुर ज़िले में एक जगह है। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, गोरखपुर ज़िला, उसी ज़िले में एक जगह है चौरा चौरी। और चौरा चौरी एक पुलिस स्टेशन का नाम है, और इस पुलिस स्टेशन में क्या किया गया था कि पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले जितने भी लोग थे वो वहाँ की जनता को बात नहीं सुनते थे, उनकी FIR दर्ज नहीं करते थे, इसी वजह से वहाँ की जनता आक्रोश में आ गई और उस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर उनकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से क्या किया गया था, 1920 से 1922 में जो असहयोग आंदोलन, गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो इसी हत्याकांड की वजह से उन्हें असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। अब असहयोग आंदोलन को क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब गांधी जी समझ गए थे कि अंग्रेज कितने निर्दयी हैं, और वो भरी हुई भीड़ में कभी भी गोली चला सकते हैं, और जिससे लाखों लोगों की जान भी जा सकती हैं। और असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चल रहा था, और यह अभी तक का देश का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। और तो यही डर था कि चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से पुलिस वहां जो ब्रिटिश है वो आक्रोश में ना आ जाए और गोली ना चला दे, जिससे गोली चलाने का ऑर्डर ना दे दे, जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, इसी वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध को संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18। अब आपको बता दें कि आपातकालीन उपबंध ये तो भाग 18 में इनको रखा गया है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी देश के संविधान से ये उपबंध लिए गए हैं। अब इनका जब पूछा जाए कि कौन कौन सा आर्टिकल है, तो जो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, और एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352, और जो स्टेट इमरजेंसी यानी मतलब राज्यीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यीय आपातकाल 356 और फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल 360। और जो राज्यीय आपातकाल है इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और ये अनुच्छेद जो कवर करते हैं 352, 356, 360, आप इनमें कवर कर सकते हैं, जैसे 3 और 2 5 होता है 352, और इसके बाद में 4 4 का डिफरेंस है 356, 360, इनको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब इसी के साथ आगे देख लेते हैं, जो हमारा भाग 5 है इसमें क्या रखा गया है? इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया है, केंद्र सरकार को रखा गया है, केंद्र सरकार के तहत ये भाग रखा गया है। और भाग 9 में, भाग 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें पंचायत को रखा गया है। इसके साथ में इसके कुछ पार्ट भी हैं, जैसे 9A है इसमें म्यूनिसिपलिटी को रखा गया है, और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी को रखा गया है। इसके बाद साथ में 15, भाग 15 में इलेक्शन, जो हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं इनको रखा गया है भाग 15 में, भाग 18 में आपातकाल रखे गए हैं।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट चारों लोगों ने किया था, जो इसके मुख्य नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था और यह आंदोलन केवल बंगाल लेवल पर था, क्योंकि यह आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। 1905 में क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि बंगाल का विभाजन हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था बंगाल का, तो इसी पार्टीशन को रोकने की वजह से स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिन गोपाल कृष्ण गोखले का साथ दिया था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। इन तीनों लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले का साथ दिया था और 1905 में यह आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल में। अब इस आंदोलन का जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम जितने भी लोग हैं सभी लोग स्वदेशी चीज़ों का यूज करेंगे और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। ये इस आंदोलन का मेन मोटिव था। और इसका रीजन क्या था कि बंगाल का विभाजन हो रहा था, इसके बंगाल को विभाजन को रोकना ही इसका मेन रीजन था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस आंदोलन को शुरू किया था और इन तीनों लोगों ने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ने इनका साथ दिया था। इन्हें हम लाल बाल और पाल, ये जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोगों को लाल बाल पाल इस नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग चार किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी नागरिकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान को जो भाग चार है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। यह भाग चार राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड देश के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। और आयरलैंड ने अगर बाई चांस पूछ दिया जाए कि आयरलैंड ने राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए हैं तो इसका आंसर होगा स्पेन। आयरलैंड ने खुद ये राज्य के नीति निदेशक तत्व दूसरे देश के संविधान से लिए हैं, जिसका आंसर होगा स्पेन। और आपको बता दें जो मौलिक अधिकार हैं इनको भाग तीन में रखा गया है और मौलिक कर्तव्य को भाग चार का में, चार ए में रखा गया है, नागरिकता भाग दो में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और SSC GT के बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं SSC GT के आने वाले एग्ज़ाम या फिर पिछले जो पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पर आधारित मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा। और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके पास जरूर आ जाएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें और इसके बाद में आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने डाउट और क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारे चैनल पेज पर जो जीमेल ID दी गई है उस पर भी आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।